अल्लाह पाक महफूज रखे यार, ये सूद जो है ये बड़ी नस्लों को तबाह कर देता है। यकीन करें इसने खानदानों को तबाह कर दिया, और इससे बचिए, इसके एक रुपया से बचिए। मेरे आके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुजूर फरमाते हैं ये सूद ये जिना से भी बढ़कर है। जिना बंदा कितनी मरतबा करता है उसका बहुत बड़ा गुनाह है, और इससे बढ़कर सूद का गुनाह है। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे साथ वो इनाने जंग करते जो सूद खाता है। ये सूद खाने वाले जब इनाने जंग है ना, उसे ना दुनिया में सुकून मिलता है, ना कब्र में, ना आखरत में, रिसवाए जमाना होगा। आज बचिए। अभी पिछले दिनों में एक बंदे की टांग कट गई, तो मैंने पूछा कि हजरत क्या हुआ है, कहने लगा यार मैंने 30 साल सूद खाया, लोगों को खिलाया, उनसे माल खाता रहा, तो अल्लाह ने मुझे ये अजाब दिया है, दुनिया के अंदर ही मैंने देख लिया। जिनकी खातिर माल कमाया था बच्चे भी छोड़ के चले गए, बीवी भी चली गई, मेरे पास भी कोई नहीं रहा। तो मैं ये तलकीन करता हूँ कभी भी हराम ना खाओ। उस बंदे का ये बयानिया था, यकीन करें जो कारोबारी हजरात होते हैं अपना माल को बढ़ाने की खातिर, तमाक की खातिर ये सूदी कारोबार कर रहे होते हैं, जो पैसे दे रहे होते हैं, क्या देखी जाएगी? अल्लाह की कसम देखी क्या जाएगी? कब्र बहुत सख्त है, बड़ा मरहला कठिन है। आज हलाल खाओ, दूसरों को हलाल खाने की तौफीक। अल्लाह दूसरों को और मुझे भी सबको हलाल खाने की